तो फाइनली हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया है। हमने दिवाली से पहले कहीं घूमने जाने का प्लान किया था, जो कि हमारे छोटे भाई बहन और बड़े भैया सब साथ में कहीं घूमने जाएंगे, ऐसा हमने प्लानिंग किया था। तो हमारा डिसाइड यह हुआ कि हम मरी माता जाएंगे और साथ ही साथ वहां से रतनपुर। तो यहां से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है और फिर चलो हम आपको घुमाते हैं मरी माता। और ये यहां हम सभी लोग पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि हम कहाँ जाएंगे, तो डिसाइड यही निकला कि हम सब ने यहाँ कोई नहीं गया था तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और यहीं जाते हैं सर। तो हमने गाड़ी किराया कर लिया और फिर हम निकल गए मरी माता दर्शन के लिए और वहाँ से हम जाएंगे रतनपुर, क्योंकि रतनपुर वहाँ से पास पड़ता है और हमारा एक दिन का जो टूर है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वहाँ से घूम के रिटर्न घर वापसी आएंगे, जिसमें घूमने के लिए हम जा रहे हैं मेरे छोटे छोटे भाई लोग, बड़े भैया और एक दो भतीजे। तो चलो जर्नी एंजॉय करते हैं और ये व्लॉग भी एंजॉय करते हैं। तो फाइनली हम मरी माता पहुंच गए, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। गाड़ी हमने साइड में खड़ा कर दिया है, एक जंगल है और वहीं पे तालाब है, वहाँ से अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और ये है मेरा भाई कौशल, ये मेरे बुआ का लड़का है। और जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं वो ट्रेन से भी आ सकते हैं, ये उनका रूट है। थोड़ा सा आगे यहाँ से रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ ट्रेन से आना काफ़ी अच्छा होगा। और ये है हमारी बच्चों की टोली, छोटे भाई बहन और ये बेटा काफ़ी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम कहीं बाहर गए हैं। इससे पहले हम साल या दो साल पहले कहीं गए थे घूमने, वो है कंवरधा भोरमदेव। अब आए हैं हम मरी माता, क्योंकि सबकी चाहत थी कि हम कहीं घूमने जाए, तो हमने सोचा चलो कहीं चलते हैं। और हमारी प्लानिंग हुई मरी माता के लिए, तो हम यहाँ हैं और हम चलते हैं अब मंदिर की ओर। तो हमने ये जस्ट रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए हम जस्ट मंदिर की ओर जा रहे हैं। और ये हमारी बहनें हैं, जो कि ये छोटी है सबसे छोटी और बाकी दो बड़ी बहनें हैं, मतलब इनसे बड़ी, मेरे से तो छोटी हैं सभी। और हम लोग, हम सब भाई बहन यहाँ
इंजॉय करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं मरी माता के मेन मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही मेन मंदिर है, बाकी छोटे छोटे मंदिर है। और यहाँ से नवरात्रि में यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है, और साथ ही साथ संडे को भी काफ़ी भीड़ रहता है ऐसा बताया जाता है। यहाँ हम अभी आए हैं वो शनिवार का दिन है, तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, जिसकी वजह से हम वीडियो बना पा रहे हैं। यहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर है बोला जाता है, और कुछ खास बात है यहाँ का, और ये जंगल के बीच में है। एक जंगल के बीच में बहुत ही सुंदर बोला जा सकता है एक मंदिर है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए या मन्नत मांगा जाता है, तो उसके लिए यहाँ नारियल बांधा जाता है ऐसा बोला जाता है। अब हम भी अपने मन्नत मांगने के लिए एक छोटी सी आए हैं बोल सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ हम अब भगवान के दर्शन करने वाले हैं। हमारे भाई लोग लाइन पे लग गए हैं अपना नारियल वगैरह निकालने के बाद, हम भी हमारी बारी भी आएगी वो देख सकते हैं, और ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हम आसानी से दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अभी तक मरी माता का दर्शन नहीं किया है वो हमारे साथ साथ वो भी दर्शन कर लेंगे, और कम से कम वीडियो में तो देख पाएंगे। मैं इससे पहले नहीं देखा था, वीडियो में भी नहीं देखा था, सुना था ज़रूर, तो मैंने सोचा चलो हम भी चलते हैं, और साथ ही साथ ये व्लॉग देखने वाले को भी मरी माता का दर्शन हो सके। तो हमने फाइनली अपना आरती पूजा कर लिया, अब उसके बाद हम चलो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें से भगवान के दर्शन करते हो। तो देख सकते हैं ये है मरी माता, और बहुत ही सुंदर भव्य है, जिसको देखने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे, और बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे मंदिर में आने से एक सुकून का एहसास होता है, और भाई बहन और अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए और बहुत बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद सब भाई बहन कहीं घूमने को निकले हैं, और स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पर देवी देवता है वहाँ सुकून का एहसास होता है। तो मैं चलो आपको ये मंदिर के चारों ओर एक बार नज़रें घुमा के दिखाता हूँ। तो ये हमारे बजरंगबली देवता है, एक छोटा सा मंदिर है जिसमें देख सकते हो बजरंगबली विराजमान है, और ये उनका आसपास का एरिया। साथ ही साथ इस बगल में हमारे भोले शंकर भगवान हैं, तो इसके दर्शन के बाद हमारे भाई बहन फ़ोटोशूट के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं, और उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं भी दर्शन कर लेता हूं, और साथ ही आप भी दर्शन कर लीजिए, फिर हम भी फ़ोटोशूट करेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे फ़ोटोशूट और वीडियो के लिए काफ़ी माहिर है, और काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, मतलब फ़ोटोशूट के लिए। हमारा आधा एक घंटे के फ़ोटोशूट के बाद ये यहाँ पर हमने दर्शन करने आए, और अभी भी देखो हमारा वीडियो ही बनाने वाला चल रहा है, क्योंकि देखो यादें कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता है, और लेकिन वीडियो और फ़ोटो के रूप में हमेशा ज़िंदा रहता है, और हमारी यादें ताज़ा करते रहता है, और बहुत खुशी देता है, और ऐसे बच्चों के साथ फ़ोटो वीडियो शूट करने का तो मज़ा ही अलग है। तो देख सकते देखो छोटे छोटे बहनें हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए मेमोरी बन के रहेगी और यादें बन के रहेगी। और तो हम फिर वहाँ से दर्शन करके निकल गए, अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ, जिधर छोटा छोटा स्टॉल या दुकान लगा है जहाँ से हमने कुछ ख़रीदारी कर ली। अब हम निकल रहे हैं उस तालाब की ओर जहाँ पर लोग खाना वाना बनाते हैं, या पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, या फिर कोई मन्नत रहता है, तो कई लोग यहाँ पर बकरा वगैरह मतलब बनाते हैं बोलते हैं, जिसको मतलब देवी देवता में चढ़ाया जाता है, कई लोग मन्नत लिए रहते हैं। तो हम शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं पैदल, एक दूसरा मेन रास्ता भी है, गाड़ी से जाया जा सकता था, लेकिन हमने सोचा पैदल चल के इंजॉय करते हैं, क्योंकि बीच में जंगल है, और ये ऐसी रास्ता जिसको देख के और चल के काफ़ी मज़ा आता है। और आए हैं तो कब तक गाड़ी में घूमेंगे, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए, ऐसा रास्ता थोड़ा ढलान है और टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे रास्तों में चलने का और घूमने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। और साथ ही साथ इधर का जो माहौल है देख सकते हैं, पेड़ पौधे हरियाली, ऊपर से भाई बहन के साथ, तो ये मतलब इतनी खुशी की बात है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब
ऐसी जगह घूमना मेरे को काफ़ी पसंद है। तो और साथ ही साथ ऐसा व्लॉग वीडियो भी बनाना है, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक यादें के रूप में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। हम कहीं भी चले जाएं लेकिन ये हमेशा रहेगा। और देख सकते हैं हमारे पीछे में हैं वो बकरा वगैरह, खाना वाना बनाने के लिए जो लोग हैं वो बना रहे हैं। यहाँ पर नहाने और बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए तालाब भी है, छोटा सा, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा बोल सकते हैं काफ़ी, और इन्जॉय करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ फ्रेंड्स फैमिली सब आते हैं और आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। अगर कोई नहीं गए हो तो मेरा मानना है एक बार बिल्कुल यहाँ आ जाइए क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। और देख सकते हैं यहाँ छोटा सा ये तालाब काफ़ी सुंदर है और काफ़ी भव्य दृश्य है, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी का यहाँ ठंड का मौसम है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और बाकी टाइम में तो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। और हमने शूट करने की कोशिश की है यहाँ, मतलब सुंदर सा दृश्य, लेकिन उतना खास हो नहीं सका, हमारा जो मनसा था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उतना अच्छे से शूट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही कि हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके और आपके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है, क्योंकि हम अपनी यादें यहाँ से अच्छा से अच्छा कैप्चर करके ले जाना चाहते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये हरा हरा पेड़ पौधे, ये पानी, और एकदम शांत सा एरिया, सिटी से काफ़ी दूर ये गांव एरिया है, जंगल है, जंगल के बीच है, तो एक सुकून सा एहसास है। वरना हमेशा हम सिटी में घूमते रहते हैं या रहते हैं तो वो सुकून नहीं रहता, लेकिन यहाँ आके एक सुकून का एहसास होता है और शांति का अनुभव होता है। ऊपर से मंदिर है तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो फिलहाल अब देख सकते हैं हम सब भाई का फिर फ़ोटो शूट हो गया, अब हम निकलते हैं। ये मेरी छोटी बहन है, छोटी, ये भी मोबाइल को लेके व्लॉग करने की कोशिश कर रही है। ये देखो मोबाइल को लेके मैं लूँगी करके वीडियो बनाने लगी, और इसके साथ साथ हम बच्चे सब इन्जॉय करते हुए अब हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर, क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं रतनपुर। और हमने मरही माता का दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा और बहुत इन्जॉय किए। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, और जैसे कि हमने इन्जॉय किया आप भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अपने रतनपुर, जो कि काफ़ी फेमस है छत्तीसगढ़ में, रतनपुर महामाया मंदिर। तो चलो चलते हैं, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम चलते हैं। सुन ले मैया आए हम तेरे द्वार।